सर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो जुम्मे का टाइम जुम्मा नमाज का टाइम होता है, कौन है हमारी दुकान को उस टाइम बंद करके जुम्मा पढ़ लेते हैं, हम पूरा दिन बंद चाहिए या कि नहीं? इस्लाम में छुट्टी का तस्वीर नहीं है वैसे कि पूरा दिन ही जो छुट्टी करना लाजमी हो और जरूरी हो, ऐसा नहीं है। हाँ, जुम्मा की जो नमाज है, जुम्मे की जब पहली अजान हो जाती है पहली अजान के बाद हर किस्म की खरीदो फरोख्त करना ये जायज नहीं होता। जुम्मे की तैयारी, चूंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अजान जुम्मा के बाद जुम्मा की तैयारी का हुक्म दिया गया है और वाज़े अल्फाज में बय करने से मना किया गया, यानी खरीदो फरोख्त करने से मना किया गया है। तो उस आयत की पासदारी करते हुए, उसके हुक्म पर बजालात सर तस्लीम खम करते हुए ये हुक्म बयान किया गया है। लेकिन इससे पहले दुकान खोलना जायज है, जुम्मे की नमाज के बाद भी दुकान खोलना जायज है। और वो जो मैंने बात अर्ज की कि छुट्टी का कोई तस्वीर नहीं, उसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि एक दिन लाजमी छुट्टी करनी है, ऐसा नहीं है। हाँ, इदारे करते हैं या मदारिस में भी होती है, इसका ताल्लुक उर्फ से है और इसका ताल्लुक सर्विस की जो कैफियात है उससे है। जहन जो है वो बाज़ शोबे ऐसे होते हैं कि जहन में तरावट लाने के लिए छुट्टी करना एक दिन जरूरी है।